हार्दिक पांड्या हुए न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर। जी हाँ दोस्तों, शिखर धवन ने हार्दिक पांड्या और उनके साथ चार और खिलाड़ी को ओडीआई सीरीज से बाहर कर दिया है। दोस्तों बीते दिन इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या के कप्तानी में 3 T20 सीरीज खेला, जिसका पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। उसके बाद दूसरा मैच को इंडिया ने 65 रनों से जीत लिया और वहीं तीसरा मैच बारिश के कारण DLS मेथड से टाई हो गया और इसी के साथ इंडिया ने 1-0 से इस सीरीज को अपने नाम कर लिया और अब इंडिया को न्यूजीलैंड से ही 3 ODI सीरीज खेलना है, जिसका पहला मुकाबला 25 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। उसके बाद दूसरा मुकाबला 27 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा और लास्ट तीसरा मुकाबला 30 नवंबर को क्रिस्टचर्च में खेला जाएगा और इसी को लेकर BCCI ODI सीरीज के लिए इंडिया का स्क्वाड घोषित कर दिया है। दोस्तों स्क्वाड में एक भी सीनियर खिलाड़ी को मौका नहीं मिला है, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी को T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने के बाद फिलहाल के लिए आराम दिया गया है। और दोस्तों हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या समेत चार और दिग्गज खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया गया है। दोस्तों हार्दिक पांड्या के अलावा ईशान किशन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज साथ ही भुवनेश्वर कुमार को भी ODI सीरीज से बाहर कर दिया गया है और टीम का कमान शिखर धवन के हाथों में सौंपा गया है। दोस्तों आपको क्या लगता है, इन 5 खिलाड़ियों के बिना इंडिया टीम ODI सीरीज में जीत पाएगा या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके जाए। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में सही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।